अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ये कहता है, यहाँ पे करेक्शन करना प्लीज, ये ईटा है, क्यों नहीं है, ये ईटा है, करेक्शन करो यहाँ, ईटा करो इसे, ईटा। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अगर आपके पास एक स्फेयर है, ये लॉ सिर्फ स्फेयर के लिए ही लगता है, अगर आपके पास स्फेयर है और इसका जो रेडियस है स्फेयर का वो आर है, ये लिक्विड में नीचे गिर रहा है, ढूंढने दो इसे, लोहे का स्फेयर है मान लो, नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और रेडियस इसका आर है और विस्कोसिटी लिक्विड की ईट है, तो ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो किसी भी स्फेयर के ऊपर विस्कस फोर्स ऊपर लगेगी और इसका फॉर्मूला होगा 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस, हमने यूनिट ऑफ डायमेंशन में यूज भी किया था। तो लॉ ये कहता है कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल होगा, तो आप इसे प्लीज नोट कर लें चाहे डायग्राम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इवन PYQs के अंदर भी यूज होता है, कि जो फोर्स है फ्रिक्शन की वो इस स्फीयर के वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। यहाँ तक क्लियर है स्टोक्स लॉ? तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है, लेकिन पेपर में कभी कभी आ जाता है इसको भी एक्सप्लेन करो, स्टोक्स लॉ का प्रूफ दो, तो एक काम करना, लिख देना F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए, इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर बी, एंड इज प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर सी, एफ इज सम कॉन्स्टेंट इन टू ईटा रेज टू पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी, साइड पर लिख लो। तो फोर्स का मतलब ML T-2 और ईटा का मतलब ML-1 T-1 रेज टू पावर ए, एल का मतलब और वेलोसिटी का मतलब LT-1 रेज टू पावर सी। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ए बी और सी सारे वन आएंगे, तो लिख देना फोर्स का फॉर्मूला कांस्टेंट इनटू ईटा आर इनटू वी, और कांस्टेंट लिख देना स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंगली, ये कांस्टेंट कितना होता है 6 पाई, ये भी यूनिट ऑफ डायमेंशन से ही होने वाला है। तो ये है स्टोक्स लॉ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मतलब क्या लॉ का करना है क्या, ये तो बताओ, लॉ तो सीख लिया, लगाएं कहाँ? अब ये आखिरी टॉपिक आ रहा है जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिस पर ये यूज होने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है।